आगे पढ़ते हैं इसमें, फिर इसी चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख ली थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे करने के लिए, तो उनको ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 किया आप लोगों ने, कितना आंसर आया इसका बताइए? इसका आंसर 6 आना चाहिए। बताना है इसको क्यों भाई? ये बताना है क्वेश्चन? नो प्रोसेस इसका वैसे ही है, किया हुआ क्वेश्चन है। एक बड़ा ड्रॉप है कैपिटल आर रेडियस का, ठीक है, और ये सरफेस टेंशन इसका दिया हुआ है हमको 0.1/4π N/m, और ये डिवाइड हो रहा है के स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, तो दिस इनटू के हो गया। तो इसका रेडियस अगर आर है, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा के आर और आर में रिलेशन निकाल सकते हैं। 4/3 πr³ इस के टाइम्स 4/3 πr³, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर इंटू के टू दी पावर -1/3। बोलो सबसे पहले इतना क्लियर है? इसके बाद इनिशियल एनर्जी अगर निकालेंगे सरफेस एनर्जी, तो ये आएगी 4π r² और इनटू एस, और फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो ये होगी 4π r² इनटू एस और इनटू के। तो ये वैल्यू कितनी आती है? ये वैल्यू आती है 4π r² s और इनटू के टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। आएगा यहां तक बताइए? तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? डेल्टा यू हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये आएगा 4π r² s एंड ब्रैकेट के टू द पावर 1/3 -1, एंड दिस इज गिवन एज 10^-3। तो यहां से के निकल के आता है, बताइए के की वैल्यू? के की वैल्यू 10^6 के आसपास कह रहे हैं आनी चाहिए। आ रहा है सॉल्व हो के वैल्यू रखने के बाद? बोलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है सभी को? कोई डाउट? यस सर। नो सर, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 12th में कौन कौन से आंसर आ रहे हैं? ACD 12th का आंसर ACD ए सी एंड डी। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है, और ये स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन अ विस्कस लिक्विड इन अ लार्ज टैंक, ठीक है, देयर इज अ लार्ज टैंक और ये लिक्विड दिया हुआ है, हाई टच, ये हाई टच दिया हुआ है। द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू नॉट, इस प्लेट का वेलोसिटी दिया हुआ है यू नॉट। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। तो देखो हम लोग निकाल सकते हैं ना विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया कितना बनता है, तो इसको लिख सकते हैं ईटा ए इंटू डीवी अपॉन डी वाई। अब तुम ध्यान से देखो जो टैंक का बॉटम है ना, बॉटम की वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ईटा इंटू ए, डीवी की जगह होगा ध्यान से देखो तो यू नॉट माइनस जीरो, और वाई की जगह आएगा एच। तो यहां से विस्कस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ईटा ए यू नॉट अपॉन एच। देखो तो ये एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। बोलो भाई। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेस विद यू नॉट, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना बनेगा? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब हो गया जो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया, तो विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया अगर निकालोगे तो ये आएगा ईटा यू नॉट
अपॉन एच, तो क्या ये यू नॉट के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो यू नॉट बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ेगा और लीनियरली उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ईटा पे भी डिपेंड कर रहा है, देखो ध्यान से दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, तो सी और डी भी सही हो जाएंगे। बोलो, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बताइए 23 का क्या आंसर आ रहा है? हाँ, 23 का आंसर सी आना चाहिए। देखो 23 में क्या कह रहा है, कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर्स पी एंड क्यू ईच ऑफ डेंसिटी डायमीटर, डेंसिटी दोनों का सेम है, डायमीटर दोनों का अलग अलग है, स्फीयर पी इज ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 एंड विस्कोसिटी 3, स्फीयर क्यू इज ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ 1.6 एंड विस्कोसिटी 2, द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पी अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ क्यू, अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या ऐसे बोल सकते हैं, डायमीटर ऑफ पी अपॉन डायमीटर ऑफ क्यू का होल स्क्वायर और डेंसिटी ऑफ पी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें पी को डाला है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्यू माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें हमने क्यू को डाला है और इनटू ईटा क्यू अपॉन ईटा पी, तो वैल्यू रखनी है देखो ध्यान से सारी, तो ये आ जाएगा 1/0.5 होल स्क्वायर सिग्मा पी माइनस सिग्मा डेंसिटी क्या आएगा, तो ये आएगा 8 - 0.8 एंड डिवाइडेड बाई ये आएगा 8 - 1.6 और विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी उसके लिए 2 है और उसके लिए 3 है, तो ये वैल्यू सॉल्व करके 3 के इक्वल आती है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्फीयर पी को हमने किसी और लिक्विड में डाला है, स्फीयर क्यू को हमने किसी और लिक्विड में डाला है और फिर उनके टर्मिनल वेलोसिटी को हमें कंपेयर करना है बस। बोलिए कर लिया होगा ये भी? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर, नेक्स्ट वाले में आंसर कौन कौन से आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? हुआ ये बताना है, देखो क्या कह रहा है, टू स्फीयर्स पी एंड क्यू ऑफ इक्वल रेडियाई हैव डेंसिटीज रो वन एंड रो टू, देखो रेडियस दोनों का इक्वल है इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है, डेंसिटी दोनों का अलग अलग है, इसका डेंसिटी है रो वन और इसका डेंसिटी है रो टू, देखना द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड इन लिक्विड एल वन एल टू ऑफ डेंसिटी सिग्मा वन, इसका डेंसिटी सिग्मा वन है इसका डेंसिटी सिग्मा टू है, एंड विस्कोसिटी इसका ईटा वन है और इसका ईटा टू है, दे फ्लोट इन इक्विलिब्रियम विद स्फीयर पी इन एल वन एंड स्फीयर क्यू इन एल टू। अब देखो पी अगर एल वन में है और क्यू एल टू में है तो इसका मतलब ये होगा कि क्यू की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तभी वो नीचे जाना चाह रहा है और पी की डेंसिटी सबसे कम होगी जिससे वो ऊपर जाना चाह रहा है, फाइनली वो इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग एक बात तो नोट कर ही सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में टोटल एफ अप टोटल एम जी के इक्वल होगा, बताओ पहले ये बात क्लियर है, एफ अप टोटल जो है एम जी टोटल के इक्वल होगा, तो एफ अप टोटल कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी है तो वी पी के ऊपर लिखें अगर तो ये हो जाएगा वी इंटू सिग्मा वन इंटू जी और Q पे लिखेंगे तो V सिग्मा 2 इंटू जी एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम वेट लिखेंगे तो स्फीयर P का वेट बनेगा V रो 1 इंटू जी और स्फीयर Q का बनेगा V रो 2 इंटू जी, तो यहां से एक रिलेशन आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, पहले यहां तक बताओ इक्वेशन 1 में कोई डाउट उनकी डेंसिटीज में? नो सर। अब ध्यान से पढ़ो लास्ट लाइन, कह रहा है इफ स्फीयर पी अलोन इन एल टू हैज अ टर्मिनल वेलोसिटी वीपी, तो ये बताओ जब हम स्फीयर पी को एल टू में डालेंगे तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, एल टू की या स्फीयर पी की? बोलिए एल टू की ज्यादा है, ज्यादा है, तो स्फीयर पी को एल टू में डालने पे स्फीयर पी का टर्मिनल वेलोसिटी किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ की तरफ आएगा, तो उसको लिखेंगे 2/9
आर स्क्वायर जी। अच्छा ध्यान रखना, हम लोग पहले लिखते थे सिग्मा माइनस रो, बट ध्यान रखना कि अगर ऊपर की तरफ आ जाएगा तो रो माइनस सिग्मा हो जाएगा, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा टू माइनस रो वन, देखना ध्यान से, और एल टू है तो ईटा टू लिखेंगे, और ये किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए जे कैप। इसी तरह से क्यू को जब हम एल वन में डालेंगे तो बताओगे टर्मिनल वेलोसिटी किधर की तरफ आएगी, Q को L1 में डालेंगे जब नीचे की तरफ आएगी, तो उसको लिखेंगे 2 by 9 R square G। अब इस बार rho 2 minus sigma 1 हो जाएगा, upon L1 है तो eta 1, और नीचे की तरफ आ रहा है तो minus J cap। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों अपोजिट वेक्टर होंगे, जिसकी वजह से इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, यानी डी ऑप्शन तो करेक्ट है। हमें इनका रेशियो निकालना है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर इनका रेशियो निकालें मैग्नीट्यूड्स का रेशियो, तो क्या ये रेशियो, देखना ईटा वन अपॉन ईटा टू और इनटू सिग्मा टू माइनस रो वन अपॉन रो टू माइनस सिग्मा वन बन रहा है, और इस वैल्यू के बारे में क्या कहोगे, ये वैल्यू क्या वन के बराबर होगी इक्वेशन वन की हेल्प से, सिग्मा टू माइनस रो वन इज इक्वल टू रो टू माइनस सिग्मा वन। बस दूसरा आंसर इसका ये आ गया, दैट इट इज इक्वल टू ईटा वन अपॉन ईटा टू, ए ऑप्शन और सही हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये देखो, लेकिन है अगेन जो भी बेसिक बातें हैं उसी के ऊपर बेस्ड है, ध्यान से एक एक चीज पढ़ते जाओ, जैसा जैसा कहता जा रहा है करते जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है या नहीं बताइए। Yes, sir. Sir, liquid T का eta 1 है ना, तो eta 1 नीचे आएगा। नहीं नहीं ध्यान से पढ़ो, मैंने कहा ना स्फेयर P को हम L2 में डाल रहे हैं, तो स्फेयर P की वेलोसिटी में N2 आएगा ना। ओके यस सर, समझ गया। ध्यान से पढ़ो बस। और कोई डाउट इसमें? सर अगर ये कह देता कि L1 में डालने स्फीयर P को, तो सर हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे ना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। नहीं देखो, स्फीयर P का डेंसिटी इन चारों में सबसे कम है, और स्फीयर Q का डेंसिटी इन चारों में सबसे ज्यादा है, ये बात तो हमने पहले ही बता दी। स्फीयर, अगर ये बताओ, अगर ये स्ट्रिंग टॉट है, इस स्ट्रिंग में टेंशन है, तो अगर हम ये स्ट्रिंग काटेंगे तो कौन किधर जाएगा बताओगे? बोलो, अगर ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगा सर, क्यों नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा और क्यों नीचे जाएगा? तो इससे एक बात, तो इससे दो बातें सामने आई कि P की जो डेंसिटी है वो सिग्मा वन से कम है। यस सर। Q की जो डेंसिटी है वो सिग्मा टू से ज्यादा है। यस सर। एंड व्हाट अबाउट सिग्मा वन एंड सिग्मा टू? सिग्मा टू ज्यादा है। इसी से पता चल गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक्चुअली रो वन सबसे छोटा है, रो वन के बाद आ रहा होगा सिग्मा वन, सिग्मा वन के बाद आ रहा होगा सिग्मा टू, और सबसे बड़ा है रो टू। ये सिचुएशन है, ये बात तो हमने शुरू में ही बता दी। स्फेयर पी की डेंसिटी मिनिमम है चारों में, और स्फेयर क्यू की डेंसिटी मैक्सिमम है चारों में। सिर्फ क्वेश्चन में लास्ट में इफ स्फेयर पी अलोन इन एल टू, सर एक बार समझा दीजिए यहाँ से लास्ट की लाइन, समझ नहीं आ रही। अगर हम स्फेयर पी को केवल एल टू में डालते हैं तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी वीपी होती है, यानी स्फेयर पी की एल टू लिक्विड में टर्मिनल वेलोसिटी वीपी है, तो मैंने एल टू लिक्विड के लिए फॉर्मूला लगा दिया। पी का एल टू में टर्मिनल वेलोसिटी और क्यू का एल वन में टर्मिनल वेलोसिटी, उल्टा कह रहा है वो, तो जैसा कह रहा है वैसा कर रहे हैं, ठीक है? यस सर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक जो ड्रॉपर वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही है। ड्रॉपर वाला वोल्टी अपॉन रो वी स्क्वायर, एक सेकंड बता रहे हैं आंसर इसका। हाँ, इसका आंसर 4t अपॉन 4t अपॉन रो वी स्क्वायर आना चाहिए, करेक्ट।
देखो यहां भी क्या हो रहा होगा कि जब हम ये बबल बना रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, तो बबल एक पर्टिकुलर रेडियस का होने के बाद ही अलग हो रहा है, तो उस पॉइंट तक अलग नहीं हो रहा है, तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है कि उस पॉइंट तक यहां पे ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, अब वो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, डायग्राम थोड़ा सही करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो इसी कॉइल पे लगेगा जिस कॉइल के साथ ये कांटेक्ट में है। ये बात समझना ध्यान से, ठीक है? ये सिचुएशन है, और वो जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ ऐसे टेंजेंशियली आएगा सभी जगह। बताओ इस पूरे सर्कमफेरेंस पे, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने ड्रॉपर वाला केस में लिखा था। तो अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे ले लें, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस अलग है, देखो, और ये रेडियस अलग है, तो इनमें रिलेशन क्या आएगा? क्या ऐसे बोल सकते हैं कि इन सभी का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल बनेगा फाई, और ये वाला एंगल भी फाई होगा, ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल बी है, इधर वाला जो साइड है, बोलो तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स है जो उसको बांधे हुए है, तो वो फोर्स हो जाएगा 2πb बनेगा उसका सरकमफेरेंस इनटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन दिया हुआ है टी, और ध्यान रखना क्योंकि ये बबल है तो हम इसमें इनटू 2 और करेंगे, और ये फोर्स किसके बराबर होगा? अब तुम यहां से देखो, यहां पे ये एयर आके टकरा रही है, कितने एरिया से टकरा रही है एयर, तो ये एरिया की जगह आएगा पाई बी स्क्वायर, डेंसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो याद है रो ए वी स्क्वायर का फोर्स लगता है लिक्विड में, तो रो ए वी स्क्वायर कर देंगे यहां से। तो यहां से देखो हमें क्या निकालना था, और इनटू कॉस फाई आएगा यहां पे, तो ये बन जाएगा 4πbt कॉस फाई की जगह लिखेंगे हम लोग बी अपॉन आर इज इक्वल टू रो पाई बी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यहां से आर की वैल्यू निकालनी थी, देखो ये 4t अपॉन रो वी स्क्वायर आ जाएगा आंसर। देखो क्लियर है या नहीं? ये जो फोर्स लिखा है ना, ये वही एग्जैक्टली उसी मेथड से लिखा है जैसे हम लोगों ने वो लिक्विड ड्रॉपर वाला क्वेश्चन किया था कि वो ड्रॉप बन के अलग हो रही है, डायग्राम भी एग्जैक्टली वही है, बस यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 और कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ड्रॉप में तो एक ही फ्री सरफेस होगी, बबल में 2 फ्री सरफेसेस होंगी इस वजह से। और ये कौन सा फोर्स लिखा है? ये फोर्स वो लिखा है जब लिक्विड आके टकराता है और उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी बनेगी इसकी, फोर्स कितना बनेगा, रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स को लिखा है रो ए वी स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या या नहीं? हाँ सर, ये अलग तब होगा ना जब प्रेशर ऑफ मूविंग एयर इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर ऑफ बबल, ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है। yes. देखो जो चीजें हम लोग फोर्स के टर्म्स में निकाल रहे हैं वो चीजें प्रेशर के टर्म्स में भी तो बोल ही सकते हैं ना, है तो जुड़े हुए ना, एक दोनों कॉन्सेप्ट तो एक ही है। yes, sir. ठीक है,
ठीक है बोलिए। देखो मेन मेन बातें तो यही है, एक दो पॉइंट और है इसमें जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाँ एक बार क्वेश्चन आया था तो मैं करा ही देता हूं। एंड नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा पॉइसुलीस इक्वेशन, ठीक है। पॉइसुलीस इक्वेशन क्या है? देखो ये इक्वेशन एप्लीकेबल है जब कोई भी विस्कस लिक्विड, कोई भी विस्कस लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो कर रहा है, समझना ध्यान से, विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन अ ट्यूब। तो अब ये बताओ कि जैसे विस्कस लिक्विड अगर ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो जब वो लिक्विड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, तो जरा बताओ कि जो लिक्विड की लेयर्स होंगी सिलेंड्रिकल लेयर्स बनेंगी, ध्यान से बताना। लिक्विड इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, मान लो ग्लिसरीन फ्लो कर रही है इस पाइप में, तो ग्लिसरीन की जो लेयर्स बनेंगी बताओ कि कौन सी लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और कौन सी लेयर की वेलोसिटी मिनिमम होगी जब इस पाइप में ग्लिसरीन फ्लो कर रही है, बताइए। हाँ सरफेस के पास जो होगी उसका वेलोसिटी मिनिमम होगा, मिनिमम क्या बल्कि ऐसे बोल सकते हैं ना कि कुछ ग्लिसरीन उस पाइप से चिपक जाएगी परमानेंटली तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी ग्लिसरीन की कहाँ होगी उस पाइप में? बीच में सर, बिल्कुल बीच में होगी एक्सिस पे। तो अगर हम एक अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी प्रोफाइल बनाए, वेलोसिटी प्रोफाइल समझे क्या चीज है, अगर हम अप्रोक्सीमेटली एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनाए तो वो वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरह का आएगा, ठीक है ना, जिसमें सरफेस पे वेलोसिटी जीरो होगी और बीच में वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अब ये देखो कि जब ये लेयर्स अंदर जा रही है तो लेयर्स के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, और वो फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वजह से अगर पाइप हॉरिजॉन्टल भी है, समझना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल पाइप भी है तो भी लिक्विड को आगे भेजने के लिए हमें पीछे से थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी जो P1 की वैल्यू होगी वो P2 से ज्यादा होगी, तो यहां पे बर्नौली नहीं एप्लीकेबल होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, तो पाइप हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल में, क्रॉस सेक्शन सेम है, वेलोसिटी इनलेट पे और एग्जिट पे सेम है, लेकिन फिर भी प्रेशर में डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि हमें उस लिक्विड को फ्रिक्शन वाले सिचुएशन से हमको उसको पुश करना है, ग्लिसरीन ऐसे समझो। मान लो जैसे किसी पाइप में तुमने वाटर भर दिया, पतला सा पाइप है, और उस वाटर को तुम एक तरफ से ब्लो कर रहे हो, तो वाटर को ब्लो करना आसान होगा या ग्लिसरीन भरी हुई है उसके अंदर तो उसको ब्लो करना आसान होगा? तो तुमको अपने आप फील होगा वाटर को, क्योंकि वाटर लेस विस्कस है, ग्लिसरीन इज मोर विस्कस। तो वैसे ही अगर इसमें से कोई विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको भेजने के लिए एक एंड से दूसरे एंड हमें पीछे से फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जो P1 होगा ना वो डेफिनेटली P2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो लिक्विड आगे जाएगा। सर सेम है मैकेनिक्स ना सर? हाँ, तो जैसे हमें फ्रिक्शन ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या है, अब हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, दो बातें निकालनी है, वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है और इस पाइप में कितना लिक्विड, किस रेट से लिक्विड फ्लो कर रहा है, दो चीजें हैं पॉइसुली इक्वेशन में। तो देखो क्या क्या चीजें, कुछ चीजें एज्यूम कर रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि इसका पाइप का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और इस पाइप के अंदर हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इस पाइप के अंदर एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, देखना जरा, ठीक है। और ये जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया है ये एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया है, ध्यान से देखना, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का रेडियस हम लोग ले लेते हैं सपोज आर, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इस एलिमेंट को अगर हमें इधर से उधर भेजना है तो इधर से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा P1 - P2 × πr² बोलो। और ये जो P1 - P2 × πr² का फोर्स होगा वो इस वजह से होगा क्योंकि इस एलिमेंट के सरफेस पे विस्कस फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब इस एलिमेंट के सरफेस पे कितना विस्कस फोर्स है,
तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया यहां पे, देखना ध्यान से, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, ऐसे समझो कि r इक्वल टू r पे, मतलब जहां पे r है वहां पे उसकी वेलोसिटी कुछ और आएगी। लेट्स से r इक्वल टू r पे वेलोसिटी v है और r इक्वल टू r प्लस डी आर पे, r प्लस डी आर पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी क्या है, v प्लस dv। तो ये जो dv अपॉन dr है यही तो कहलाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद है नहीं याद है, दोनों लेयर्स के वेलोसिटी का डिफरेंस। तो फोर्स कितना लगेगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन लेयर एट r इक्वल टू r, मतलब r इक्वल टू r पे जो लेयर है उसके ऊपर विस्कस फोर्स कितना लगेगा। तो ईटा a, एरिया बताओ कि कौन सा एरिया लेते हैं विस्कस फोर्स में, बताइए एरिया कौन सा लेंगे, सिलेंडर का सरफेस एरिया लेंगे, और सिलेंडर का सरफेस एरिया बनेगा 2 पाई आर एल ईटा ए और डीवी अपॉन डी आर, देखो ध्यान से। और ये जो विस्कस फोर्स होगा ये बैलेंस कौन करेगा, तो ये बैलेंस करेगा वो जो पी वन माइनस पी टू लग रहा है कितने एरिया पे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर पे, वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा। तो ईटा 2 पाई आर एल और इंटू डीवी बाई डी आर, देखो ध्यान से, देखो तो इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, डीवी एक तरफ लेते हैं बाकी सब उधर भेजो, तो पी वन माइनस पी टू अपॉन टू ईटा एल, देखना ध्यान से, और आर डी आर, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर डी आर बचेगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर मिल जाएगा। अब इंटीग्रेट करने में जरा लिमिट्स बताओगे कहां से कहां रखनी चाहिए, वेलोसिटी हमको कहां मालूम है, सर स्टार्टिंग में मालूम है और मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे नहीं मालूम है बेटा, यही तो बात है, वी नॉट मालूम है क्या हमें, r इक्वल 0 और r इक्वल कैपिटल r पे मालूम है। ध्यान रखना कि कैपिटल r पे हमने, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल r से कैपिटल r, ठीक है। तो स्मॉल r पे वेलोसिटी v एज्यूम कर ली है, कैपिटल r पे वेलोसिटी 0 होगी, तो यहां से देखो तुमको v मिल जाएगा, देखो कहां से मिलेगा v की वैल्यू। एक्चुअली ये dv / dr नेगेटिव आएगा तो एक माइनस साइन भी हमको लेके चलना पड़ेगा पहले से ही, मतलब ये जो dv / dr जब हम लोग लिखेंगे ना तो इसको हमें माइनस ऑफ dv / dr लिखना होगा, क्योंकि v जो है वो r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा, तो जब dv / dr यूज करेंगे तो माइनस साइन अपने पास से एक लगाना पड़ेगा। तो यहां से ये वैल्यू v की वैल्यू देखो यहां से क्या आ जाएगी, सर v = v नॉट लेंगे ना सर लिमिट में, यार तुम थोड़ा पहले सोच लिया करो, तुम एकदम बीच बीच में डाउट पूछते हो तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कहाँ पे लिया है मैंने, एकदम क्लियरली दिखाया हुआ है r इक्वल टू जीरो पे वी नॉट है, नहीं दिख रहा है तुमको इतनी बात, एक लाइन लिख नहीं पाता हूँ, बीच में तुम डाउट इतने सारे रेज कर देते हो, उल्टे सीधे डाउट जिनका ना सिर है ना पैर है। v की वैल्यू ध्यान से देख लो, v हमने लिमिट्स कहां से कहां ली हुई है, r इक्वल टू r लिखा है, r इक्वल टू r पे वेलोसिटी v लिखी हुई है, कैपिटल r पे वेलोसिटी 0 लिखी हुई है, पता नहीं इतनी सी बात में क्या डाउट आ रहा है। अब कह रहे हो कि v की जगह v नॉट लिख दे, v नॉट कहां पे वेलोसिटी है, r इक्वल टू r पे है कि r इक्वल टू 0 पे है, r इज इक्वल टू 0 पे सर, याददाश्त चली आती है क्या बीच बीच में तुम्हारी, थोड़ा सोच लो, सोच लिया करो आराम से, जैसे कुछ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि तुम हर लाइन मेरे साथ साथ चलो, मेरे मुझे लिख लेने दो, अपने आप सोचो थोड़ा सा, जब नहीं डाउट मिले सोच लो अपने दिमाग से तब पूछो डाउट, तुम हर स्टेप में डाउट पूछते हो, हर स्टेप में मैथ ही तो लगा रहा हूं यार, खत्म हो गई फिजिक्स लॉ बताने के बाद, देखो यहां तक ये वी का फंक्शन निकल गया हमको, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, इस पूरे एक्सिस पे हर जगह, मतलब एक्सिस से रेडियल डायरेक्शन में पूरे सिलेंडर में हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, ये जो हमने सबसे शुरू में ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया था
ये उसी का इक्वेशन आ गया एक तरह से देख लो, पैराबोला टाइप का। ठीक है, तो एक पॉइंट तो तुम ये याद रख सकते हो, और दूसरा जो तुम्हें ध्यान रखना है, प्रूफ नहीं भी ध्यान रहेगा तो चलेगा, बट ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है। दूसरा ये कि इसमें से लिक्विड कितना फ्लो कर रहा है। अब तुम ध्यान से देखो कि हर एलिमेंट से अलग अलग लिक्विड वेलोसिटी जा रही है, तो अगर हर एलिमेंट से अलग अलग वेलोसिटी जा रही है तो हम किसी जनरल एलिमेंट पे अगर लिखें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम थ्रू डिफरेंशियल एलिमेंट, मतलब ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है इसमें से कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा होगा, तो लिखेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया। तो डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया क्या बनेगा, 2πrdr। ये कौन सा एरिया लिया है, ये मैंने ये वाला एरिया लिया है, ध्यान से देखो डायग्राम में, इस एरिया से कितना लिक्विड पास हो रहा है, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी इनटू एरिया, ए इनटू वी करते, तो एरिया की जगह 2πrdr और वेलोसिटी की जगह लिखेंगे p1 माइनस p2 अपॉन 4 ईटा एल और इनटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देखो ठीक है, तो अगर हमें टोटल से पता करना है कि टोटल कितना फ्लो हो रहा होगा वॉल्यूम, तो टोटल कितना फ्लो हो रहा होगा तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट यानी डीवी बाई डीटी की वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसमें देख लो कांस्टेंट क्या क्या है बाहर निकल आएगा, तो P1 माइनस P2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 ईटा एल और इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान से देख लो क्या बचेगा, आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर, और आर की वैल्यू हम इंटीग्रेट कर देंगे आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू कैपिटल आर, करो जरा सॉल्व क्या आता है, तो dv by dt की वैल्यू हो जाएगी p1 माइनस p2 पाई अपॉन 2 ईटा एल, अंदर क्या आएगा ये बताओगे, r पावर 4 बाई 2 माइनस r पावर 4 बाई 4 आएगा, तो यहां से dv by dt जो हमें निकालना था हो जाएगा पाई p1 माइनस p2 r पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। देखो ध्यान से, तो एक ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है, एक ये मैंने लिखा है ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। देखो ध्यान से, अब बताओ इसमें कहीं डाउट है तो पूछो। देखो इस पे जो आया वो क्वेश्चन एक बार जाइए मेन में वो कर लो एक बार बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो। अब इसमें देखो ध्यान से क्या कह रहा है, दोनों ट्यूब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, दोनों का रेडियस अलग है, लेंथ दोनों का अलग अलग, प्रेशर डिफरेंस P1 P2 दिया हुआ है, तो देखो रेट ऑफ फ्लो तो सेम होगा ना दोनों में। इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, हेंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी सेम, दोनों में सेम होगा। तो अब देखो रेट ऑफ फ्लो अगर सेम करें तो इसको लिखेंगे पाई डेल्टा P1 R1 पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा L1 इज इक्वल टू पाई डेल्टा P2 R2 टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2, तो R2 कितना आएगा, आ रहा है यहां से R1 बाई टू। क्लियर है क्वेश्चन सभी को, बताइए। क्लियर है सभी को, बोलिए।
सर क्वेश्चन आंसर तो आ गया सर, लेकिन सर अगर रेडियस अलग है पाइप्स की तो सर एक दूसरे में सर फिट कैसे होंगे? अब वो उसकी हेड है, उसने फिट कैसे किया है? बीच में उसने कुछ और लगाया होगा ना वेरिएबल रेडियस का, उसने बीच में कोई कनेक्टर लगाया होगा वेरिएबल रेडियस का। डाउट तुम्हारा जेन्युइन है लेकिन ठीक है, उसको उसके बारे में नहीं सोचेंगे हम। ठीक है, क्लियर है। और एक पॉइंट और इसमें हमको स्टडी करना है, एंड दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है ना, एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिटरमिन whether the flow of liquid is laminar or turbulent। देखो इस चैप्टर में हमने जो भी बर्नौली वगैरह लगाई थी, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई थी, ठीक है, ये सारी की सारी बातें लेमिनार फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए ही एप्लीकेबल है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि जो फ्लो है वो लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है? तो उसके लिए हमारे पास ये एक रेनॉल्ड्स नंबर है जो हमें कैलकुलेट करना होगा, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो तुम्हें ध्यान रखना है। देखो ये नोट कर लो जो लिखा हुआ है, बस जो बातें समझने वाली है वो समझा देता हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है जो सबसे पहले लिखा हुआ है, रो वी डी एच अपॉन म्यू, रो वी डी एच अपॉन म्यू। ये जो है म्यू है, देखो नोट कर लो पहले। म्यू वही है जो इसको हम लोगों ने ईटा लिखा था, तो चाहे तो ईटा ही लिख लो। म्यू वही है जिसको हम लोग अभी तक ईटा लिखते आ रहे थे, ईटा ही कर दो, म्यू मत लिखो। ठीक है, डीएच क्या है? डीएच इज कॉल्ड हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द पाइप विच इज ऑल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ट्रेवल्ड। What is V? V is the velocity of liquid in the pipe, rho density हो गई, and उसकी dynamic viscosity हो गई। यानी जो viscosity हम लोग पढ़ते हैं eta, that is called dynamic viscosity। इसी का unit होता है ml minus 1 t minus 1। देखो एक और viscosity हम लोग define करते हैं which is known as kinematic viscosity, and kinematic viscosity is defined as dynamic viscosity divided by density of liquid। ठीक है ना, dynamic viscosity upon डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी अगर हम ईटा में रो से डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, इसमें बस हम ये बात बोल सकते हैं कि इफ रेनॉल्ड्स नंबर is less than 2300, then flow is laminar, laminar कहो या फिर streamline कहो, एक ही बात है। ठीक है, and if Reynolds number is greater than 4000, then flow is turbulent. Then flow is turbulent, ठीक है ना? और इसके बीच में क्या होगा? बीच में थोड़ा सा undefined है, मतलब ना तो हम completely laminar बोल पाएंगे और ना ही completely turbulent बोल पाएंगे।
ठीक है, बोलिए। पाइप अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर पाइप में हाइड्रोलिक डायमीटर इज एग्जैक्टली सेम एज इनसाइड पाइप डायमीटर। सर्कुलर पाइप अगर है, पाइप अगर सर्कुलर है तो हाइड्रोलिक डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ पाइप दोनों का एक ही मतलब है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू डीएच, डीएच इज इक्वल टू डी। लेकिन अगर पाइप इस तरह का नहीं है, सिलेंड्रिकल पाइप नहीं है, अगर कुछ और है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है या कुछ और, कुछ भी और है, तो उस सिचुएशन में हम लोग हाइड्रोलिक डायमीटर निकाल सकते हैं इस हेल्प, इस फॉर्मूले की मदद से। देखो, हाइड्रोलिक डायमीटर इज 4 टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाई पेरीमीटर। एरिया मतलब उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, और पेरीमीटर मतलब उसका पेरीमीटर, जो भी सर्कमफेरेंस होगी। स्क्वायर होगा तो 4 टाइम्स साइड हो जाएगा। ठीक है, देखो नोट कर लो, बस इतना ही सा है। ठीक है, हालांकि इस पे भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आया नहीं रेनॉल्ड्स नंबर पे, बट लिखा हुआ है सिलेबस में तो इसलिए बता दिया। फॉर्मूला बस ये, तुम पहले वाला याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। रो वी डी अपॉन ईटा, बस, और ये इंफॉर्मेशन याद रखो। बोलिए। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है।